गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इधर लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था 5th में, ठीक है। अब हम आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आइए उसके बेसिक्स देखते हैं, क्या है उसके बेसिक्स। चलिए देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है उससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर 5 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 5 चॉकलेट्स, ये किसी भी शेप की है, कैसी की है, तो 5 चॉकलेट्स, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर 5 है, तो लेट अस कंसीडर यहां पे 2 बॉक्सेस, तो 2 बॉक्सेस के अंदर कितनी हो जाएंगी 10। सिमिलरली 3 बॉक्सेस के अंदर कितनी हो जाएंगी 15, और ऐसे ही चलते जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहां 4 बॉक्सेस करूं, या फिर मैं कह दूं n बॉक्सेस है, अगर 1 बॉक्स था तो 5 थी, 2 था तो 10, 3 था तो 15, मींस टू से उसका मल्टीपल में जा रहा है, 1 है तो 1 into 5 5, क्योंकि एक बॉक्स में 5 है, 2 बॉक्स है 2 into 5 दैट विल बिकम 10, 3 बॉक्सेस है 3 into 5 दैट विल बिकम 15। If n boxes are there, so n into 5, ठीक है, n into 5, that will become 5n, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5n chocolates are there। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा अब इसको यही जाने दीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैं इसको एरेंज कर देता हूँ, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर राहुल है और मीनल है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों है ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब राहुल को 10 रुपीज मिलते हैं, सपोज है पॉकेट मनी, मीनल को मिलते हैं 20, ठीक है। राहुल को अगर 20 मिलते हैं तो मीनल को मिलते हैं 40, ठीक है। अगर राहुल को मिलते हैं 30 तो मीनल को मिलते हैं 60, और अगर राहुल को मिलते हैं x तो मीनल को कितने मिलेंगे, ट्वाइस ऑफ x मिलेंगे ना। देखो सीधी सी बात की 10 टू जा 20, 20 टू जा 40 हो रहा है, 30 टू जा 60 हो रहा है, x टू जा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब जब मुझे नहीं पता था उसको कितनी चॉकलेट्स मिल रही है, तो भाई मीनल को भी तो पता कर सकते हैं ना, भी उसको अगर वेरिएबल में मिल रही है तो इसको भी वेरिएबल में मिल रही है। तो यहां देखिए हमारा पहले क्या था, 3n बॉक्सेस, 5n कुछ ऐसे टर्म आई थी, और यहां 2x है। फॉर एग्जांपल मैंने इनको ऐड कर दीजिए, इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस केस, ठीक है। इस तरीके से मैंने इन्हें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो ये जो दोनों ऐड हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे मैं क्या कहता हूं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता हूं, इसे मैं क्या कहता हूं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब हुआ कि जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, और उनको किस से किस में जोड़ा जाए, या तो किस ऑपरेशन से, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चार ऑपरेशन से जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मर्ज किया जाता है, या ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल से इनको एक दूसरे के साथ रखा जाता है, तो वो जो हमारे सामने टर्म्स बन के आती है, हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ, तो एक डेफिनेशन होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट हो, जो कि कनेक्ट किसके थ्रू हुए हो, चार फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, बेटा जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जैसे 2 3 5 6 7 व्हाटएवर, ठीक है, ये नंबरिंग सारी कांस्टेंट है।
वेरिएबल वेरिएबल मतलब चेंज होने लगा जो चेंज हो सकते हैं ठीक है उनको हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं n एंड x जो n और x है वो क्या हमारे वेरिएबल्स हैं हमें इनकी वैल्यू नहीं पता तो दैट कैन बी एनीथिंग उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो इस केस में वो वेरिएबल है तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं ठीक है जिनके अंदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं और जो चार फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं कौन कौन से चार फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ठीक है इनके थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं चलिए अब इनमें होता क्या क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर बताते हैं आपको थोड़ा जैसे लिखा था 5n plus 2x ये एक टर्म है ये अपने आप में एक टर्म ठीक है दिस इज आल्सो एन अनदर टर्म ये भी अपने आप में क्या है टर्म है तो 5n और 2x अपने आप में बेटा क्या है टर्म्स है हमारे पास क्या है ये टर्म्स ठीक है इवैल्यूएटेड का अब इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है ये नया टॉपिक आ गया ठीक है मैंने टर्म्स बता दिए यहाँ पे ये टर्म्स होती है अगर यहाँ पे माइनस भी है तो भी ये और ये टर्म्स है अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये कंप्लीट एक टर्म वो बात की बात है चलो इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है बेटा इवैल्यूएटिंग का मतलब वैल्यू फाइंड करना इसी में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करना फॉर एग्जांपल लिखा है 5x is equals to 35 नाउ यू नो वेरी वेल बेटा 5 इज मल्टीप्लाई विद x x के साथ मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में तो यहां मल्टीप्लाई में रहेगा कहां चला जाएगा डिवाइड 5 इनटू 5 5 7 क्या 35 x is equals to we will become 7 तो हमारा x क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इस तरीके से ये इसी के लिए इवैल्यूएटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है ओके गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग इन हमारे पास अब टर्म्स क्या है हमारे पास कांस्टेंट है ऑपरेशन कौन कौन से हैं ये मैंने आप सबको बता दिया ठीक है हमें अब एक एक्सप्रेशन करते हैं मतलब और उसके बीच में बात करते हैं फैक्टर्स टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट अस टेक एन एग्जांपल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स ठीक है टर्म्स एंड फैक्टर्स एंड द कोएफिशिएंट्स ओके चलिए इसके बारे में बात करते हैं अच्छा देखिए इसके अंदर टर्म्स कौन से हैं मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ फिर यहाँ पे फैक्टर्स लिख दूंगा ठीक है कोएफिशिएंट्स लिख दूंगा तो देखिए टर्म्स टर्म एक तो है 6x स्क्वायर और सेकंड है -7x स्क्वायर जस्ट एज अ सिंबल ऑफ द दोनों टर्म्स इसके आप फैक्टर करने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर आप बताइए बेटा देखो 6 है एक अलग से फैक्टर एक x है हालांकि 6 का 2 और 3 भी होता है ना एक x है और फिर x into x तो क्या होता है x स्क्वायर होता है ना अनदर x इसके फैक्टर गए तो -7 है फिर x अलग से है फिर y अलग से तो -7 x एंड y ठीक है चलिए ये तो ये सारे फैक्टर्स अच्छा अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट्स अब कोफिशिएंट्स बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कोफिशिएंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं कोफिशिएंट्स भी दो टाइप के हैं ठीक है देखिए कोफिशिएंट्स दो टाइप के हैं यहाँ पे अब कौन कौन से हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है पहला एक तो सीधा कोफिशिएंट और दूसरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं टर्म्स, दो टर्म्स है ना, ये टर्म और वो टर्म, मैंने दोनों को क्या किया स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब ये टर्म है इसका मुझे क्या करना है, यहां से कोफिशिएंट निकालना न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल से मतलब होता है बेटा क्या, जो चीज एक्चुअल में न्यूमरेशन में, न्यूमरेशन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिक्स है, ये सिक्स हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये हमारी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेवन जैसे सेकेंड टर्म मैंने उठाई माइनस सेवन एक्स वाई, तो देखो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा माइनस सेवन, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है माइनस सेवन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं जो न्यूमरेशन में होते हैं, न्यूमरेशन मतलब वैल्यू में होते हैं, जो उन्हें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म के अंदर बात करूं कोफिशिएंट्स की, तो देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग केसेस उठेंगे। पहले मैं इस टर्म को उठा रहा हूं सिक्स एक्स वाई, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो होगा सिक्स, जो कि हमारा क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, जो हमारा क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूं तो देखो यहां क्या है, ये सिक्स एक्स इंटू एक्स है। कोफिशिएंट से मतलब होता है जिस चीज का उसे कोफिशिएंट पूछा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो एक्स का पूछा है तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है सिक्स एक्स है ना, तो सिक्स एक्स। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ सिक्स तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स, तो सिक्स के मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें कोफिशिएंट्स को देखते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब आएगी बारी लाइक और अनलाइक टर्म की, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, देखिए यहां पे मैंने मैं क्या जैविक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखिए सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स वाई प्लस एट एक्स माइनस फाइव एक्स, मैंने ये जैविक एक्सप्रेशन लिखा, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से, टर्म्स आपको पता है ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है ना। अब इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, लाइक देखिए लाइक टर्म्स वो होती है जिनके अंदर वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हमें कोफिशिएंट या हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप दोबारा सुनिए ध्यान से, हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, जहां वेरिएबल सेम हो जाएंगे वो ही टर्म्स क्या हो जाएंगे लाइक टर्म्स हो जाएंगी। यहां एक्स है, यहां एक्स है, इट मींस ये टर्म और ये टर्म क्या है लाइक टर्म्स, ये दोनों टर्म्स क्या है लाइक टर्म्स है। अब मैं दूसरा उदाहरण ये टर्म और ये टर्म, इसमें देखना यहाँ एक्स वाई है वेरिएबल, देखो कांस्टेंट को नहीं देखना, माइनस थ्री और माइनस फाइव को नहीं देखना, यहाँ देखो ये एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये दोनों भी क्या है लाइक टर्म्स, ये दोनों भी क्या है लाइक टर्म्स है। हाँ लेकिन अगर जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स और यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स वाई, तो वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म्स, ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है लाइक और अनलाइक टर्म्स, इस तरीके से लाइक और अनलाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने बेसिक्स कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, आप बेसिक्स को समझिए, ठीक है। तब तक हैव नाइस डे।